अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम एक फर्निश घर को कवर करेंगे। 5 मरला फर्निश घर है डी ब्लॉक के अंदर, तो विच इज़ अवेलेबल फॉर रेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सटीरियर लुक देख सकते हैं इस घर की, बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है, ठीक है, ब्रांड न्यू फर्निश हुआ है घर। तो ये आप देख सकते हैं, पोर्च इलाका है सिटी हाउसिंग जेलम का। तो सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर यहाँ पे होता है। तो सामने ही आपका वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पार्क है, ये आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी आ रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त इस गली में मौजूद होता है। तो चलिए आपको इंटीरियर लुक दिखाते हैं इस घर की। बाहर छोटा सा एक एक्सटर्नल लॉन बना हुआ है, ये मेन गेट है। जब आप एंटर होंगे तो साथ ही आपका गराज है, कार पाउच है, यहाँ पे GLI XLI इजीली पार्क हो सकती है। यहाँ पे आपका मोटर का स्विच लगा हुआ है और ये आप घर की लुक देख सकते हैं यहाँ से। बाहर आपका एक वॉशरूम है, तो ये आप देख सकते हैं अमेरिकन वॉशरूम है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको इंटीरियर दिखाते हैं इस घर का। तो इंटीरियर में जाने से पहले ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग रूम का गेट है, दरवाज़ा, और ये मेन डोर है। यहाँ से आप लुक देख सकते हैं, हम मेन डोर से एंटर होंगे तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले वॉश लगी हुई है प्यारी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल के अंदर डाइनिंग पड़ा हुआ है, आपकी LED लगी हुई है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फर्निश घर हुआ हुआ है, A+ ग्रेड का फर्निश हुआ हुआ है ये घर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कर्टन्स अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, सोफ़े अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यहाँ से भी आप वाइडर लुक देख सकते हैं इस घर की। तो साथ नीचे एक किचन है और एक नीचे बेडरूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो वॉशिंग मशीन भी पड़ी हुई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डस्टबिन, ब्रश, मॉप, वाइपर, सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रिज है, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रिज है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी क्रॉकरी यहाँ पर अवेलेबल है, क्रॉकरी भी यहाँ पर सारी अवेलेबल है। कूलर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओवन। अभी फैमिली, ये अभी फर्स्ट फैमिली थी जिसने रेंट पे लिया था, वो आज खाली कर गया घर। तो आज हमने इसकी सफाई करवानी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पीछे इसकी गैलरी है, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। पीछे आपका सिलेंडर पड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं लुक। तो चलिए आपको नीचे जो बेडरूम है वो दिखाते हैं। नीचे ये एक ही बेडरूम है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं AC लगा हुआ है, कबर्ड्स देख सकते हैं आप, बेड देख सकते हैं, साथ इसके अटैच वॉशरूम है, आपको अटैच वॉशरूम भी दिखाते हैं। तो ये साथ अटैच वॉशरूम है इसके, यहाँ से आप देख सकते हैं अमेरिकन वॉशरूम है, अमेरिकन टॉयलेट लगा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस दिखाते हैं। तो इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर की खूबसूरती में काफ़ी इजाफा कर रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका प्यारा सी ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ऊपर लैंप लगा हुआ है आपका। तो एंटर होते साथ ये आप देख सकते हैं वॉलपेपर है आपका, बड़ा प्यारा सा लगा, फनूस है, छोटा सा आपका ये हॉल बना हुआ है, हॉल टाइप है। तो नीचे आपके ऊपर आपके दो बेडरूम्स हैं, आपको तीन बेडरूम्स हैं, तीनों बेडरूम्स आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं लुक। ये फर्स्ट बेडरूम है, यहाँ से आप देख सकते हैं AC लगा हुआ है, उसके बाद आप कर्टन्स देख सकते हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, बाइड आपका टेरेस भी बना हुआ है, टेरेस भी आपको दिखाते हैं। ये दो आपके सिंगल बेड लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लुक भी देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप अपना विंडो खोल के आप वहाँ पे टेरेस के अंदर भी बैठ सकते हैं, वो चेयर्स पड़ी हुई हैं उधर, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह, पंखा भी लगा हुआ है वहाँ पे। तो इसके साथ भी अटैच वाशरूम है, अटैच वाशरूम है, कबर्ड्स है, AC देख सकते हैं आप, तो ये आप देख सकते हैं कबर्ड्स हैं, साथ अटैच वाशरूम है, तो ये आप देख सकते हैं अमेरिकन वॉशरूम है।
तो चलिए आपको सेकंड बेडरूम दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर का। तो ये सेकंड बेडरूम है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एसी लगा हुआ है इस रूम में भी, साथ इसके अटैच वाशरूम है। तो यहाँ से आप लुक देख सकते हैं। तो साथ इधर आपके विंडो लगी हुई, छोटी सी विंडो बनी हुई है वेंटिलेशन के लिए, एसी लगा हुआ है, साथ आपका अटैच वाशरूम है, अमेरिकन वाशरूम है। तो ये आप देख सकते हैं अमेरिकन है। तो चलिए आपको थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। सो ये आपका थर्ड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेड, डबल बेड लगा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए, कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही आपका ड्रेसिंग बना हुआ है, ये ड्रेसिंग बना हुआ है साथ ही आपका। तो चलिए आपको साथ ही वाशरूम है वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी छोटी सी विंडो बनी हुई है वेंटिलेशन के लिए। तो ये वाशरूम है, अमेरिकन वाशरूम है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस घर की जो डिमांड है फॉर रेंट जो है, एक मंथ के लिए अगर आप लेते हैं तो 1 लाख डिमांड करते हैं हम उसकी, ठीक है, 95 तक फाइनल होता है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो 90 फाइनल है, फुल एंड फाइनल 90 है, ठीक है। तो बाकी थोड़ी बहुत मज़ीद कमी बेशी हो जाएगी अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं। तो ये विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए कर्टन्स लगे हुए हैं। तो अगर किसी भाई को भी अगर पसंद हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है। आपके लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।